हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, जो भाई नए हैं मेरे चैनल को ना सब्सक्राइबर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं ये एक सीजन फ्लावर का पौधा होता है जो कि परमानेंट चल जाता है। पौधा बहुत ही सुंदर होता है। फूल की बात करें तो फ्रेंड, इसमें इतने सारे फूल आते हैं, बहुत सारे। अगर आपने जिस भी गमले में लगा दिया हुआ है, आपका गमला पूरा ही फूलों से भर जाएगा और यह पौधे की इतनी ग्रो होती है। फ्रेंड, इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके ऊपर ही शाखा लगा दें और आप मिट्टी में दबा दें। जब आप जिसकी कटिंग लगा दें तो उसे दो एक दिन आप इसे छाए में रखें और यह पौधा जड़ आपकी पौधा पकड़ लेगा। और फ्रेंड, इसमें जो खाद की बात करें तो बोन मील मिक्सर गोबरी खाद आप इसमें डाई भी ऐड कर सकते हैं। उससे यह होगा थोड़ी सी डाई कम डालना, क्योंकि ये पौधा जल जाता है। थोड़ा हमारा हार्ड प्लांट नहीं है, थोड़ा ईजी प्लांट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें गोबरी खाद जितनी डालेंगे थोड़ा, इतना ही हमारा ईजी प्लांट फूल देगा। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है ये। तो फ्रेंड, यह पौधा आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपको अगला नेक्स्ट पौधा दिखाने वाला हूँ। यह है एक सफ़ेद कनेर का पौधा जो कि बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड, आपने तो लाल कनेर, पीला कनेर, गुलाबी, ऑरेंज रंग कलर देखे रखे हैं। एक सफ़ेद कनेर भी आता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। यह एक औषधि के भी काम आता है, बताती हैं फ्रेंड। इसकी कटिंग से भी यह ग्रो हो जाता है और जो इस पर फली आती हैं उससे भी आप अपने गमले में ऐड कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा पौधा होता है फ्रेंड। यह एक औषधि बताती हैं, जिसके भी थोड़ा सा कहीं दाग हो रहा हो, वाइट रंग के कहते हैं, आप इसके फूल लगा लें और वह दाग ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको एक बार अजमा के देखना, अगर हो सकता है इससे दाग चला जाए तो फ्रेंड ये बहुत ही ईजी प्लांट होता है और वैसे भी ये शुगर में दवाई के काम आता है। अब फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा नेक्स्ट पौधा सदाबहार का। यह गुलाबी रंग का सदाबहार है, इसमें वाइट भी आता है, थोड़ा महरूम भी आता है। ये बहुत ही अच्छा लगता है और ये बरसात में तो इतना सुहाना लगता है, बहुत ही सुंदर। अब गर्मी का मौसम चल रहा है, जून आने वाली है और ये पौधा अपने आप ही फूल देने के लिए तैयार हो जाता है। ये सर्दियों में फूल फ्रेंड कम देता है और गर्मियों में खूब फूल आते हैं। और फ्रेंड, इसकी देखभाल की कुछ बात नहीं है, मात्र इसमें आप सुबह शाम पानी दें और ये पौधा आपका खूब ग्रो करेगा। इसकी लगाने की बात करें तो फ्रेंड, ये कटिंग से भी हो जाता है। अगर आप इसे कटिंग से तैयार नहीं कर सकते तो फ्रेंड, इसकी जड़ में से जो बहुत सारे बीज गिर जाते हैं और बहुत सारे पौधे हो जाते हैं, आप उसमें से ला सकते हैं। ये पौधा बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। अब फ्रेंड, मेरा जो नेक्स्ट पौधा है साइपर्स, इसे यूनिपर्स भी कहते हैं। यह बहुत ही अच्छा ईजी प्लांट अपने आप को अधिक ही सुंदर दिखता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी खासियत की बात करें तो फ्रेंड, आप जहाँ जहाँ इसमें ग्राफ्टिंग ऐसी सपोर्ट लगाएंगे और इस पर जैविक सेप देंगे, ऐसा ही ये पौधा चलेगा। अब फ्रेंड, आप देख रहे हैं इसमें हमने सूतली का ग्राफ्टिंग से ऐसे प्रकार से बांध रखी है और पौधा अच्छा चल रहा है। इसके डिजाइन की बात करें तो फ्रेंड, हमने ये मोड़ तो रखा भी है और इसको घुमा घुमा के अलग अलग पौधे इसके अंदर हमने निकाल रखी है। उससे यह होगा जो हम इसमें बॉल या कोई भी कुछ भी डिज़ाइन बनाएंगे वह हमारी सुंदर लगेगी। और फ्रेंड, बहुत ही अच्छा पौधा लगता है। फ्रेंड, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें। उससे यह होगा जो भी भाई पौधों का शौक़ करते हों, वह अपने पौधे पर इसी प्रकार कटिंग करने से यह पौधा अपने आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं है, मात्र सूतली का कमाल है। इसमें आप चारों तरफ सूतली लपेट दें और इसी प्रकार नई नई जगह पर सेप दे दें, उससे वहाँ से पौधा कट कर दें और वहाँ से ही पौधा तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, यह बहुत ही अच्छा ईजी प्लांट होता है, आप इसे ज़रूर लगाएं। यूनिपर्स और साई पर्स के नाम से आता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है। देखो, हमने जहाँ जहाँ पेड़ कट लग रहे थे वह पौधा हमने कट छोड़ रखा है और वहाँ से ये पौधा लगा दिया है। देखो कितना सुंदर इसका दूसरा पौधा है, ये बहुत ही अच्छा पौधा लग रहा है। अब सो गाइस, आप देख रहे हैं बिगन बेल का पौधा। बिगन बेल तो मैंने भी अपनी वीडियो में बहुत दिखाई होंगी और आपने भी बहुत देखा होगा, बहुत ही अच्छी होती हैं। अब आप फ्रेंड, ये बिगन बेल एक अलग ही टाइप की बिगन बेल है। इसके फूल की खासियत ये है, शुरू से फूल पत्ती के डिग से निकलेगा यानी जड़ से, और ऊपर तक धीरे 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 तक जाएगा और बहुत ही अच्छा प्लांट लगता है। आप देखो, लास्ट इसका मौसम चला, लास्ट ऊपर तक आ गया है। फिर दोबारा इसके साथ यही होगा, ऊपर से ख़त्म, फिर नीचे से धीरे धीरे निकलेगा और यानी कि इसमें परमानेंट फूल आते हैं। तो आपको फ्रेंड, यह बिगन बेल जरूर लाएं। यह हाइब्रिड वाली बिगन बेल होती है जो कि हमारी पूना की बिगन बेल कहती हैं। देसी बिगन बेल नहीं लें, उससे यह होगा कि हमारे फूल तो आते नहीं हैं और पौधा भी अच्छा नहीं लगता। इसके फूल की सुंदरता की बात करें तो फ्रेंड, जब इसका फूल खिलता है तो पत्ते कम दिखते हैं और फ्रेंड, तो इसे आप लाना ना भूलें। सही है। जो मेरा नेक्स्ट पौधा है क्रोटन का पौधा, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। क्रोटन तो आपने बहुत तरीके देखे होंगे, बहुत ही अच्छा क्रोटन है। इसकी सुंदरता की बात करें तो इसमें कम से कम चार पाँच वैरायटी के पत्ते आते हैं।
और फ्रेंड इसे चकोतरा आप किन्नू दो ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग ग्रो करने का मौसम है बरसात का या फरवरी का। फ्रेंड आप इसे ध्यान रहे, अगर आप फिर सबसे पहले इस पर गुट्टी बांध जाती है, अगर आप इसे गुट्टी में नहीं बांधें तो एक चिकनी मिट्टी आती है उसके साथ लगा दें, और इसमें गोबर की खाद बिल्कुल नहीं लगावें। इससे यह होगा आप अगर आपने गोबर की खाद लगा दी थोड़ा, उससे पौधे जो इसकी जड़ है वो कम पकड़ेगा और पौधा हमारा नहीं चलेगा और बहुत ही जल्दी हमारा ग्रो भी नहीं होगा। अगर आपने फ्रेंड ये थोड़ी मिट्टी में ही लगा दी और आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया और लगाने के बाद फ्रेंड इसे ध्यान रहे आप इसे छाए में रखें, और ये बहुत ही अच्छा हमारा क्रोटन का पौधा है, बहुत ही अच्छा लगेगा। कम से कम इसमें से हमने 70-80 क्रोटन बना दिए हैं, अब ये खूब बड़ा हो गया है। अब हम बरसात आने वाली है और इसकी कटिंग से हम इसमें ग्रो कर देंगे या गुट्टी बांधे कटिंग ग्रो, एक ही बात है, आप कुछ भी कर सकते। अब फ्रेंड जो मेरा नया पौधा हुआ है जेड प्लांट का पौधा, मैं बार बार मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाता हूँ, यह बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और एक लकी पौधा होता है। तो फ्रेंड मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइबर, इसी प्रकार मैं आपको नए नए वीडियो लाता रहूँगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।